तटस्थ रहेंगे मोदी या बनेंगे मध्यस्थ, क्योंकि बड़ी खबर यह आ रही है कि भारत चिंतित है न सिर्फ वहां पर फंसे हिंदुस्तानी छात्रों और तमाम भारतीयों को लेकर, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हालात ये बता रहे हैं कि बदतर होने की संभावना पूरी है। जी हां मेरी सहयोगी, पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें और उसके बाद खास मेहमान यहां पर बने हुए हैं पूरे मसले को समझने के लिए और समझाने के लिए। बिल्कुल, देखिए रूबिका, कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, कैबिनेट की ये बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को नसीहत दी है कि उनके क्षेत्र में जो लोग हैं उनकी मदद करें, वो लोग जिनके परिजन अभी यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि इसके पहले केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा है कि जब तक एक एक व्यक्ति को सुरक्षित भारत नहीं लाया जाता है तब तक वो काम में जुटे रहेंगे, यूक्रेन में फंसे लोगों के परिजनों की मदद करें। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर नसीहत दी है, कहा है कि सभी भारतीय छात्र जो अभी यूक्रेन में फंसे हैं, यहाँ के लोगों के परिजन या यूक्रेन में फंसे हुए हैं, हालांकि सुबह सुबह 219 छात्र भारतीय दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको वापसी उनका करना बेहद जरूरी है। अपने अपने क्षेत्रों के जो लोग हैं उनकी मदद करें, अपने मंत्रियों को प्रधानमंत्री ने नसीहत दी। ABP News, आपको रखे आगे।